तो चलिए भारत की बात में मंदिर मस्जिद विवाद से इतर बात करते हैं। आसाम में आई हुई बाढ़ की, आसाम में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। 33 में से 20 जिले बाढ़ से घिरे हुए हैं। 2 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। पटरी और सड़क बहने से कुछ जिलों का संपर्क टूट गया है। बाढ़, बारिश और भूस्खलन में अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। ऐसे मुश्किल हालात में लोगों का दर्द दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की सहयोगी हमारी मनोज्ञा लोईवाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची है। देखिए असम के शहर शहर बाढ़ के कहर पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। असम की नदियों में आई बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शहर शहर, घर घर, हर जगह बाढ़ के पानी से घिरी हुई नजर आ रही है। असम के 33 में 24 जिलों का यही हाल है। बाढ़ से भयंकर बर्बादी हुई है। और इस बर्बादी के बीच बेबस असम के लोगों का दर्द दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बाढ़ वाले इलाकों में पहुंची है। असम के 24 से ज्यादा जिले इस समय जलमग्न है। मैं एक ऐसी सड़क पर हूं जो अब सड़क नहीं नदी के तौर पर नजर आ रही है। नौगांव से लेकर होजाई तक का ये सारा इलाका कोपिली नदी के कोप के कारण पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। घर पूरी तरह से पानी में, खेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेत इस समय पूरे असम में नदी यानी कि पानी के नीचे हैं और वहीं करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को इस पूरी बाढ़ की स्थिति ने प्रभावित कर दिया है। एनडीआरएफ की बोट से संवाददाता मनोज्ञा की रिपोर्ट, जिस कोपना नदी से आपने देखी वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसका सबसे ज्यादा असर नगांव जिले में दिख रहा है। नगांव के कामपुर में लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर रास्ता दिख नहीं रहा, लेकिन लोग जिंदगी बचाने के लिए पानी में ही चल पड़े हैं। किसी की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के कंधे पर सामान है, तो किसी के हाथों में गैस का चूल्हा और सिलेंडर। कोपली नदी का प्रकोप होजाई जिले पर भी पड़ा है। यहाँ किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। भेदावती इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस आया है। ABP News, आपको रखे आगे।